मध्य प्रदेश के सीधी के बहुचर्चित पेशाब कांड के पीड़ित दशमन आदिवासी से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी का सम्मान और शुद्धिकरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। सीएम ने मामले को लेकर पीड़ित से माफी भी मांगी। देश भर में चर्चित हुए सीधी के पेशाब कांड के पीड़ित से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पीड़ित दशमन आदिवासी के पैर धोकर न केवल शुद्धिकरण किया बल्कि तिलक लगाकर, माला पहनाई और शॉल उड़ाकर उसका सम्मान भी किया गया। बताया जा रहा है, घटना से दुखी होकर सीएम ने दशमन आदिवासी से माफी भी मांगी और उनके साथ नाश्ता भी किया। आपको बता दें, इन दिनों सीधी का पेशाब कांड काफी चर्चाओं में है। सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले की चर्चाएं जोरों पर है। घटना के बाद पीड़ित का सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए सीएम ने आज न केवल पीड़ित से सीएम हाउस में मुलाकात की बल्कि उसका सम्मान कर माफी भी मांगी और किसी भी परिस्थिति में न्याय दिलाने का भरोसा भी जताया है।